पाठ 21 दयानंदिनी डायरी लेखन डायरी राइटिंग। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के लिए डायरी लेखन भी अन्यतम विधा है। व्यक्ति डायरी में अपने अनुभवों, घटनाओं, तथ्यों, संपर्क में आए व्यक्तियों आदि का विवरण लिखता है। रोजमर्रा की बातें याद रखना कठिन है। डायरी को दयानंदिनी भी कहा जाता है। डायरी व्यक्ति का अंतरंग साथी है जो उसकी मनोदशा को गुप्त रखता है और तनाव को कम करता है। डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, बाईं ओर तिथि, मास, दिन, समय आदि अवश्य लिखें। कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा लिखें। घटनाओं में सिलसिला बनाए रखें। अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए बनावटीपन या कल्पनाशीलता का प्रयोग न करें। डायरी लेखन के कुछ उदाहरण देखिए। नए विद्यालय में अपने पहले दिन का अनुभव डायरी में लिखिए। 15 अप्रैल 2023 सोमवार, समय रात्रि 10 बजे। आज का दिन बड़ा अटपटा रहा। नए स्कूल में जाने के उत्साह में कुछ ज्यादा ही जल्दी नींद खुल गई थी। नई कक्षा में जाने का उत्साह था, पर कक्षा में घुसते ही ठंडा हो गया। किसी ने शरारत करके मेरी सीट पर छिपकली रख दी थी। मैंने जैसे ही बस्ता रखा, वह कूदकर दूसरी तरफ चली गई और सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैं पूरी तरह झेप गया। उसी समय अध्यापक आ गए, वरना आज न जाने मुझे कितना गुस्सा आता। ये भी कोई नए विद्यार्थी का स्वागत है। पर भोजन अवकाश के समय सबने मुझे घेर लिया और मेरे बारे में पूछने लगे। जिसने शरारत की थी उसने मुझसे माफी मांगी। मैंने भी हाथ मिलाकर उसे माफ कर दिया। गणित में आपके बहुत कम अंक आए, इस अनुभव को साझा करते हुए डायरी लिखिए। 2 नवंबर 2023 शुक्रवार, समय रात्रि 10:30 बजे। आज मुझे गणित में बहुत कम अंक प्राप्त हुए, इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन उस समय मैं तैयारी नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में बहुत मेहमान थे। पर आगे से मुझे पहले से ही तैयारी कर लेनी होगी। मैं हमेशा अंतिम दिन तक क्यों इंतजार करती हूँ। अब पछताने से कोई लाभ नहीं। बस आगे से मुझे ध्यान रखना होगा।